नमस्कार, मैं हूं केशव पंडित और आप देख रहे हैं चैनल इंडिया लाइव। कोरिया जिला के झगरा खंड थाना के अंतर्गत दिनांक 22 दिसंबर को प्रार्थी पीताम्बर सिंह के द्वारा थाने में आकर सूचना दी गई कि मृतक प्रताप सिंह और बाबू टेलर की मौत हो गई है। मृतक का पीएम कराया गया। उक्त रिपोर्ट पर डॉक्टर साहब द्वारा मृतक की मृत्यु गला घोंटकर हत्या करना लेख किया गया, जिस पर पुलिस द्वारा संदेह के आधार पर मृतक के मामले की गंभीरता को देखते हुए मृतक की जांच के दौरान मृतक की मौत संदिग्ध प्रतीत होने के कारण एसपी के निर्देश पर टीम गठित कर मामले की विवेचना की गई। विवेचना के दौरान मृतक की पत्नी के द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या की जाने की बात बताई, जो आत्महत्या न होकर हत्या होना पाए जाने पर एवं मृतक की पत्नी द्वारा किया गया बयान संदिग्ध प्रतीत होने पर पत्नी पारो एवं अन्य गवाहों से पूछताछ की गई, जिसमें मृतक द्वारा पत्नी पारो पर चरित्र शंका एवं मृतक के द्वारा अत्यधिक नशा करना, काम धाम न किए जाने के कारण आए दिन लड़ाई झगड़ा होने की बात बताई, जिस कारण ये दोनों में लड़ाई झगड़ा हुआ, जिसके बाद मृतक कासिम के घर सोते वक्त मृतक की पत्नी पारो के द्वारा रस्सी से गला दबाकर हत्या करना स्वीकार कर लिया गया, जिस पर पारो को गिरफ्तार कर लिया गया है। कोरिया से चैनल इंडिया लाइव के लिए सुजीत साह की स्पेशल रिपोर्ट। इसकी बैठ नहीं। सूचना मिलने पर मौत का जांच लिया गया था। पीएम रिपोर्ट के आधार पर डॉक्टर ने गला घोटकर हत्या स्ट्रैंगुलेशन बताया, उस आधार पर अपराध कायम कर धारा 302 के तहत पेश की जा रही थी। पूछताछ में मृतक का पत्नी पारो द्वारा हत्या करना स्वीकार किया है और लगातार मृतक द्वारा उसकी पत्नी को परेशान किया जा रहा था। उसके चरित्र में शंका को लेकर लड़ाई झगड़ा होती रहती थी और घटना दिनांक को शराब पीकर जब मृतक काशिम, जो घटना स्थल है काशिम का घर, वहाँ सोया हुआ था, उसी समय रस्सी से गला घोटकर हत्या करना स्वीकार की है।